कर लेते हैं मारुति के नतीजे की। अभी अभी ये नतीजे आए हैं और मुनाफा देखिए, कंपनी का 3720 करोड़ के पार निकल गया है। अनुमान था 3095 करोड़ का, उसके मुकाबले अगर देखें तो काफ़ी बेहतर मुनाफे के नंबर्स प्राइमा फेसी ये अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। आय में भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, 29931 करोड़ के मुकाबले आय बढ़कर 37000 करोड़ के भी पार निकल गया है। मुनाफे में भी अच्छी ग्रोथ है, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी पिछले साल के दूसरी तिमाही से तुलना करें तो काफ़ी बेहतर है। पिछले साल की दूसरी तिमाही में सिर्फ 2061 करोड़ का मुनाफा हुआ था, जो बढ़कर अब 3720 करोड़ हो गया है, यानी मुनाफे में करीब 80% से भी ज़्यादा की ग्रोथ दिखी है और आय में करीब करीब 24% की ग्रोथ दिख रही है। और शेयर देखिए डे हाई पे है, 2% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है। रवि जी, नतीजे आपके सामने हैं, मुनाफे में 80% से ज़्यादा की ग्रोथ, आय में करीब 24% की ग्रोथ, क्या लग रहा है मारुति को लेकर नतीजों पर, आपका पहला कॉमेंट सर? जी आए हैं वो उम्मीद से कहीं बेहतर आए हैं और जो मार्केट में एक करेक्शन था इसी वजह से यहाँ पर ये पुलबैक देखने को मिल रहा है। लेवल्स की बात करें तो एक बार 10,850 तक के लेवल ये टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। बात करें मुनाफे की, बात करें आय की, बात करें कंपनी की गाइडलाइंस की, तो जिस हिसाब से अभी तक प्राइमा फेसी देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से ग्रोथ एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ज्यादा अच्छी रही। और पीछे अगर पूरी इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो विश्वमोहन जी जो ऑटो के नतीजे रहे वही थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट को संभाल पा रहे हैं और ऐसे में मारुति का जो ये रिजल्ट आया ये काफी उत्साहजनक है और इन्वेस्टर को जो एक पैनिक जो सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही थी वो थोड़ी सी रिवर्स होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और कंपेयर टू इंडस्ट्री क्वार्टर टू में जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं बेहतर यहाँ पर मुनाफे देखने को मिले। ओके, यानी नतीजे अनुमान से काफी बेहतर है और आप देख भी रहे शेयर उस हिसाब से रिएक्ट भी कर रहा है। आय में अच्छी ग्रोथ, मुनाफे में तो 80% से ज्यादा की ग्रोथ दिखी है और इस पर और डिटेल समझते हैं। हमारे साथ विनीत वोलिंजकर साहब हैं वेंचुरा का से, शुक्रिया सर। विनीत जी, सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या होगा सर, मारुति के नतीजे कैसे दिख रहे हैं आपको? और हमारा अनुमान है कि कंपनी के अगले 2 साल में ऐसे ही नतीजे आते रहेंगे। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये इसका शेयर प्राइस लगभग 14,000 तक छुएगा अगले 18 से 24 महीनों में। और हमें लगता है कि ये काफी स्टॉक नेग्लेक्ट हुआ था, मार्केट ने अंडर परफॉर्मेंस काफी थी काफी सालों तक, और अभी ये जो नतीजा आया है Q2 का उसे हम ये समझ सकते हैं कि आगे जाके ये काफी फैंसी पकड़ेगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की और इसमें आप देखोगे कि एलोकेशन बढ़ जाएगी और निवेश बढ़ते रहेंगे। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक अभी भी सस्ता है, 10,000 इसका एक टाइम पे टॉप था, उसके ऊपर निकल चुका है साइकोलॉजिकल लेवल और यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। हमारा टारगेट 14,000 है फॉर सितंबर FY26, यानी यहाँ से 2 साल के आपको लगभग 35% की ग्रोथ दिखेगी। 2 साल में 35% की ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है स्टॉक, इनको लग रहा है यहाँ से अच्छी ग्रोथ दिखाएगा और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए एक बढ़िया पिक लग रहा है। और जिस तरह के नतीजे आए हैं, जिस तरह का दमदार परफॉर्मेंस नतीजों में दिख रहा है, ये वाकई काफ़ी बेहतर दिख रहा है। विनी जी, अब अगला मेरा सवाल होगा, जिस तरह की ये स्ट्रॉन्ग डिमांड हम पैसेंजर व्हीकल्स में देश में देख रहे हैं, क्या इस और एक तरफ दूसरी तरफ कॉम्पिटिशन भी है, इसको देखते हुए क्या लग रहा है, क्या आगे की राह किस तरह की रहेगी मारुति के लिए? देखिए, अगर आप देखोगे मारुति के पास ईवी पोर्टफोलियो में कुछ है नहीं ऐसा कुछ बात करने के लिए, लेकिन हमें लगता है कि अगले साल से जो इनकी जो ईवी पोर्टफोलियो में एडिशन आएगी वो हर साल एक एक नया मॉडल ऐड करेंगे और अगर उनके लेगेसी मॉडल्स और एसयूवी स्विच जो हुआ है उनका पोर्टफोलियो का, जो इनका आज मारुति लार्जेस्ट एसयूवी प्लेयर बना है कंट्री में, तो इन्होंने अपना पोर्टफोलियो काफी अच्छी तरह से मैनेज किया है मिक्स, और ये जब ईवी ऐड हो जाएगा तो आप देखोगे कि ये ईवी रहेगी टोयोटा की इंजन और मारुति की मार्केटिंग, तो हमें लगता है ये बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है और मारुति काफी अच्छा प्रदर्शन देगा आपको अगले 3 से 5 साल तक।